So students, once again, have a very good morning to you all. हम लोग इस chapter, that is chapter number second of economics, इसको फिर से continue करते हैं. हम आगे की slide, हम लोगों ने दो lectures के अंदर क्या देखा है, हमने दो videos देख लिए हैं. First video में हम लोगों ने economics का ये chapter start किया था, that was chapter number second. And in the video number second, आप लोगों ने कहाँ पर end किया था? आप लोगों ने end किया था the first indicator, that is the national income. Today we are going to start with the second income indicator. You can see the second indicator is the growth rate of per capita income. You can see that is the growth rate of per capita income. Okay, now growth rate of per capita income we are going to see. So what do you mean by growth rate of per capita income? In the income method, you have seen only the income of the whole of the country is calculated and it is having a limitation. इट माइट बी डेट कि आप लोग के बाकी सब लोगों की इनकम बढ़ रही होगी, बट जो गरीब लोग हैं उन लोगों की इनकम का क्या? तो वो आप लोग को जो नेशनल इनकम है, इस लिमिटेशन के ऊपर सबसे बड़ा फोकस था कि आप लोग की नेशनल इनकम का सबसे बड़ा लिमिटेशन कि वो आपके पूरे देश की इनकम जरूर कैलकुलेट करता है, बट पर पर्सन की इनकम क्या है उसका वहां पर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं था. सो उस लिमिटेशन को हटाने के लिए हमारे पास में सेकेंड मेथड आया, द ग्रोथ इंडिकेटर, विच इज द पर कैपिटा इनकम. Now, what does this indicator says? According to this indicator, when the per capita income of the country increases for a long period continuously, it can be said that economic development has taken place. Then, what do you mean by per capita income? So, this is per capita income. This indicators take into account the population of the country too. आप लोग के national income के अंदर population का कोई काम नहीं था. बट इन दिस मेथड आप लोग के पर कैपिटा इनकम के अंदर पॉपुलेशन को भी इंक्लूड किया जाता है. कैसे? जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर अगर हम लोग एवरेज निकालते थे तो एवरेज में टोटल डिवाइड बाय जो नंबर लेते थे, यहाँ पर सेम केस है. नेशनल इनकम आपने फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट कर दी, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. सपोज करके हमारे पास टोटल 5 लाख रुपए है, हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, 10 लोग हैं, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 मतलब एक बंदे की कितनी इनकम आ रही होगी, कुछ 50,000 आ रही है. जिस तरह से आप लोग ये आंसर निकालते हो, सेम केस यहाँ पे हमें पर कैपिटा इनकम आंसर निकालना है. सो क्या लिखा हुआ है, दिस इंडिकेटर टेक इन टू अकाउंट द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री टू एंड हेंस द पर कैपिटा इनकम इज एन इंडिकेटर इज सुपीरियर टू द नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर. तो यस, ये आप लोग का इंडिकेटर नेशनल इनकम से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है. तो देखिए इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जीडीपी पर कैपिटा फॉर्मूला. मींस ये पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, मैंने आप लोगों को डायरेक्टली आंसर दे दिया. जीडीपी कैसे निकालेंगे, द रियल जीडीपी, जीडीपी इज नोन एज द इनकम. तो आप लोग के पूरे देश की जो रियल इनकम है उसको हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे एंड डिवाइड बाय उसको पॉपुलेशन से कर देंगे, तो पर पर्सन कितना कमा रहा है यहाँ पे इजीली जान सकते हैं. नेशनल इनकम के अंदर पूरे देश की इनकम क्या है वो जान सकते थे, बट पर कैपिटा इनकम में हर एक इंडिविजुअल बंदे की इनकम क्या है वो यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं. ओके, तो इस मेथड का ये है कि इसने जो आप लोग की लिमिटेशन नेशनल इनकम के अंदर थी, यहाँ पर कैपिटल इनकम में वाली नेशनल इनकम पूरी कवर अप कर दी है. ओके, सो यहाँ पे एक और मैंने नीचे कंटेंट लिखा है, इफ द कंट्रीज पर कैपिटल इनकम राइजेज एट अ फास्टर रेट, डेवलपमेंट इज सेड टू बी फास्ट. सही है, आप लोग के पर कैपिटल इनकम, पर पर्सन अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी, सपोज लास्ट ईयर पर पर्सन की इनकम 30,000 थी, आज पर पर्सन की इनकम 40,000 हो गई, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, पर कैपिटल इनकम नेशनल लोगों की बढ़ रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वाह सब लोगों का अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है. इफ पर कैपिटल इनकम ग्रोज एट अ स्लोअर रेट, मतलब बढ़ तो रही है बट धीरे रेट पर बढ़ रही है, तो हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट कम है. जैसे लास्ट ईयर 40,000 थी और इस ईयर सिर्फ 42,000 ही है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम बोल सकते हैं, तो इस बार इन लोग के लोगों की इनकम थोड़ी के अंदर बढ़ोतरी थोड़ी कम हुई है, तो हम लोग कहेंगे इस बार डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा नहीं है. एंड इफ द पर कैपिटा इनकम इज कॉन्स्टेंट, मतलब पिछली बार भी 40 थी, इस साल भी पर पर्सन की इनकम 40 है, तो हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट एकदम स्टेगनेंट है, ना बढ़ा है ना घटा है. एंड इफ द पर कैपिटा इनकम फॉल्स, अगर गिर जाती है, तो हम लोग कहेंगे इस बार तो पूरे देश का नाश हुआ है, डेवलपमेंट इज नेगेटिव. जैसे चाइनीज प्रोडक्ट को जैसे ही बैन किया, चाइना ने हम लोग के ऊपर हमला सब कुछ किया,
एज इन गलवान घाटी पर, तो इस देश में हम लोग बोल सकते हैं जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है, लोगों की पूरी इनकम वहीं पर ही खर्च हो रही है, तो वहीं पे खर्च होने के कारण लोग क्या बोलते हैं, इस बार हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ बल्कि इस बार ज्यादा खर्चा ही हुआ है हम लोग का। तो हम लोग इस तरह से इसके ऊपर से एज एन डिसीजन ले सकते हैं। तो ये रेट ऑफ पर कैपिटल इनकम है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पूरे देश की टोटल इनकम को डिवाइड बाई जो भी हमारे देश की पॉपुलेशन है हम लोग करेंगे तो पर पर्सन की इनकम हम लोग को पता चल जाएगी। तो ये मेथड इसके ऊपर काम करता है। नाउ इस मेथड के कुछ कंटिन्यूएंस है, तो आप देख सकते हो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू रेज द ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विच द पर कैपिटा इनकम इज द बेस्ट मेजर। हमारा देश किस प्लान के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हमारा देश इस प्लान के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों की सब जन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा रहे एंड प्लस उन लोगों के अंदर कुछ डेवलपमेंट हो, और इन दो मेजर्स को ध्यान में रखते हुए पर कैपिटा इनकम सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। बिकॉज पर कैपिटा इनकम इंडिविजुअल बंदे की इनकम भी बताता है और इंडिविजुअल इनकम से हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसकी इनकम बढ़ रही है या घट रही है। तो ये दो बेसिस के ऊपर से ये आपका इंडिकेटर सबसे बेस्ट है। एंड इफ द डेवलपमेंट डज नॉट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन रियल सेंस इट कैन बी सेड एज इट कैन नॉट बी सेड एज ए डेवलपमेंट। तो सही है, अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी भी लोग वही गरीबी में जी रहे हैं, इतना सारा डेवलपमेंट होने के बाद भी लोग वही गरीबी में जी रहे हैं, तो हम लोग यही बोलेंगे कि देश का कोई भी विकास नहीं हो रहा है। सो अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, ये लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा नहीं, तो हम लोग कहेंगे अभी भी डेवलपमेंट एकदम नेगेटिव है। तो सो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मैंने आप लोग की ही टेक्स्ट बुक के अंदर से एक टेबल पुट ऑन किया है। स्टूडेंट्स अगेन इस डेटा को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये जितने भी डेटा है इन डेटा के अंदर से अगर आप लोग कोई दो या तीन जन का भी सही से याद रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सब में सबसे पहले टॉप मोस्ट में कौन है, नॉर्वे। जितने भी डेटा देखोगे डेटा के अंदर नॉर्वे सबसे पहले ही आ रहा है, नॉर्वे का नाम भी आ रहा है। एक नॉर्वे हो जाएगा, एक आप चाइना अभी लेटेस्ट सीनेरियो है, एक इंडिया का ले लोगे और पाकिस्तान का ले लोगे। फिगर स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमको फिगर याद नहीं रहते, तो मैं कहता हूँ आपको याद रखना ही क्यों है, उस फिगर्स को आप अपनी तरफ से थोड़ा सा अंदाजे से एग्जाम के अंदर ऑड फिगर फॉर्म में लिखना, जैसे इन लोगों ने लिखा है 64,992। ये कोई थोड़े ना किसी को याद रहेंगे, तो आप भी एग्जाम के अंदर फिगर इस टाइप के अपनी मर्जी से लिख देना, बट कंट्रीज का नाम लिख के उसके सामने उनका फिगर लिखना ना, उसका फिर एक्सप्लेनेशन प्लीज हो सके तो एक्सप्लेनेशन। आपने जैसा डेटा लिखा वैसे ही डेटा देखो, मैंने एक्सप्लेनेशन में ज्यादातर फिगर यूज भी नहीं किया है, एंड जो फिगर यूज किया वो भी एकदम इमेजिनरी फिगर है। देखिए क्वेश्चन का टेबुलर एक्सप्रेशन में मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडिया इन 2014 ऑन द बेसिस ऑफ द परचेसिंग पावर पैरिटी। नाउ कोई स्टूडेंट्स पूछेगा सर परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी बोलता है कि मेरा जितना कमाने की कैपेसिटी है मैं चाहता हूं कि जब हम लोग अमेरिका भी का भी देख रहे हैं तो अमेरिका का भी मेरे परचेसिंग पावर पैरिटी जितना, मतलब मेरी जितनी कैपेसिटी है मेरी जितनी औकात है अमेरिका भी को भी उसी औकात में रखकर अगर डिसाइड करूं तो हम दोनों जन में ज्यादा फर्क ना रहे, उसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। पैरिटी मतलब होता है बैलेंस, दोनों जन में एक जैसी समानता। तो ये क्या बोला है, इन द 2014 ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी इज 5497। देखो ये फिगर आप लोगों के ऊपर इस टेबल के अंदर जो इंडिया के सामने लिखा है 5497 ये मत समझना ये कैसा है, ये इन्होंने अपनी मर्जी से लिखा है। यूएस डॉलर विच इज लोअर देन नॉर्वे, देख लीजिए आप लोग की टेबल के अंदर नॉर्वे का सबसे पहला नाम है और फिर बाकी का सब्जन का नीचे नाम होगा। आप भी जब अपना डेटा अगर लिखते हो एग्जाम के अंदर थोड़े का अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो लिखते हो तो नॉर्वे का सबसे पहले नाम लिखना और इंडिया का लास्ट सेकेंड ही रखना, क्योंकि इंडिया लास्ट सेकेंड में ज्यादातर दिखती है और एकदम लास्ट में तो सबसे घटिया कंट्री वो की है अपने पाकिस्तान जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके तो विच इज लोअर देन नॉर्वे यूएस चाइना श्रीलंका और फिर पॉइंट लगा के लिखा है कंपेयर टू द नॉर्वे इंडिया पर कैपिटा इनकम इज 11-12 टाइम्स लेसर and hence Norway's growth is said to be higher than India's by 11-12 times. So yes, यहाँ पे देखो मैंने कहीं पे भी इस डेटा को कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल सा वर्डिंग्स दिया है कि नॉर्वे सबसे ज्यादा अच्छी रैंकिंग में चल रहा है पर कैपिटा इनकम में और हमारा इंडिया जो है वो 11-12 टाइम्स नॉर्वे से बहुत ही ज्यादा नीचे है, इसलिए बोला जा सकता है कि पर कैपिटा इनकम नॉर्वे की सबसे ज्यादा अच्छी है और इंडिया की 11-12 टाइम्स एकदम गंदी है। तो आप लोग को यहाँ पर इस तरह से टेबल शो करना है, डाटा को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड इसके ऊपर से आप इमेज देख सकते हो, जहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो आपका नॉर्वे है, हुर्रे।
नॉर्वे इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन, और आप देख सकते हो पाकिस्तान एकदम लास्ट फिफ्थ पोजीशन पे, एंड फोर्थ पोजीशन पे आपकी इंडिया, और भाई सेकंड एंड थर्ड चाइना को डाल दो या फिर अमेरिका, किसी को भी डाल दो। तो ये मैंने इमेज भी उस हिसाब से चूज की हुई है आपकी। नाउ सही है, एवरी कॉइंस हैव अ टू साइड, एक साइड अच्छी है तो दूसरी साइड आपकी गंदी है। तो ये है आप लोग का लिमिटेशन ऑफ द पर कैपिटल इनकम। ये जो आप लोग की पर कैपिटल इनकम है, इसका खुद का भी लिमिटेशन होगा। तो क्या है आप देख सकते हो, ये मैंने इमेजेस पुट की है, ये इमेजेस कुछ इनकम के बारे में बात कर रही है, पर कैपिटल इनकम, लोगों की मजदूरी है। देखो पहली इमेज किस बात पे बात कर रही है, कि लोग इतना सा कमाने के लिए भी बड़े बड़े लोगों के गुलाम बनते जा रहे हैं। जैसे हमारा देश भी है, हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पर इनकम ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यूएस मार्केट्स इन सब के ऊपर। वहां का डॉलर में कुछ कमी आएगी तो हमारा देश की इनकम बढ़ेगी, तो कुछ इसके बेसिस के ऊपर से डिपेंडेंट है। तो आप देख सकते हो हमारा लिमिटेशन क्या था। फर्स्ट लिमिटेशन ओनली एस्टिमेट्स, पर कैपिटा इनकम जो है ओनली एस्टिमेट है। सर क्यों? तो आप देख सकते हो द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हम पूरे साल में देखते हैं मतगणना, जैसे सब लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल में पता चल जाता है इस बार इस बंदे ने कितना कमाया, अगली बार हमारे देश के अंदर कितनी इनकम हुई, ये सब कुछ पता चल जाता है और एकदम करेक्ट डाटा भी होता है। बट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज नॉट कैलकुलेटेड एवरी ईयर, क्योंकि आपको पता है सेंसस जहाँ पे डाटा हर 10-10 साल के अंदर कैलकुलेट करते हैं, हमारे देश की मतगणना 10-10 साल में एक बार होती है। नेशनल इनकम रोज कैलकुलेट होता है, बट मतगणना 10 साल में एक बार होती है। इट मींस अगर हम लोग को 11वें 12वें साल में कुछ कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, वो 10 साल पुराना वाला रिकॉर्ड है उसी को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आप लोग के यहाँ पे जो पॉपुलेशन ली है वो एकदम एस्टिमेट है, वो एकदम गलत है। क्या पता पिछली बार 100 करोड़ थी, इस बार 2 साल के बाद में आप लोग की 120 करोड़ हो गई होगी पॉपुलेशन। तो इसलिए बोला ये सिर्फ क्या है, एस्टिमेट्स है। इस एस्टिमेट्स के कारण क्या हम रियल पर कैपिटा इनकम कभी भी सही से समझ में नहीं आ सकता। तो ये सबसे पहला लिमिटेशन है। ये देख सकते हो आपका सेकंड लिमिटेशन, डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम। हम लोगों ने नेशनल इनकम में ये वाला लिमिटेशन पढ़ा है कि पूरे देश की इनकम क्या है जानने में सबसे बड़ा झोलमाल है, क्योंकि हमारे देश में बार्टर सिस्टम भी होता है, गुड्स के बदले में गुड्स भी एक्सचेंज होते हैं, कोई कोई गुड्स हम लोग खुद ही खा जाते हैं, तो देश में कितना बना कुछ पता ही नहीं चलता। तो पूरे देश में नेशनल इनकम कैलकुलेट भारी है, और नेशनल इनकम जब कैलकुलेट नहीं हो सकती तो आप पर कैपिटा इनकम कहां से निकालोगे। तो पर कैपिटा इनकम भी कैलकुलेट करने में सबसे भारी काम है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम में आपने देखा है डेटा पिछले साल के लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थर्ड लाइनिंग सेकेंड लाइनिंग में क्या लिखा है, इन द सेम वे वेदर द पर कैपिटा इनकम शुड बी एट अ करंट प्राइस और द कॉन्स्टेंट प्राइस। करंट प्राइस आज की मार्केट की प्राइस के ऊपर से, या कॉन्स्टेंट प्राइस पिछली कोई प्राइस को लेकर अपना कुछ बेस मान लेते हैं। एंड देयर रिलेटेड डिफिकल्टीज मेक इट डिफिकल्ट टू नो द रियल सिचुएशन, एंड ये सब प्रॉब्लम के कारण हमें कभी भी पता नहीं चल पाता कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम क्या है। ओके तो ये लिमिटेशन है। तो थर्ड लिमिटेशन, पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज। सही बात है, आप लोग के पर पर्सन की एवरेज इनकम बताता है। अगर मैंने जैसे कहा है पूरे देश की इनकम 5 लाख, हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन है 10,000, तो एक बंदे की हमने कैलकुलेट कर दी 50,000। जरूरी थोड़ी ना है ये पॉपुलेशन में हमने बोला एक बंदे की 50,000 हो गई, क्या पता वो एक बंदा गरीब हो और वो बंदे गरीब तो 500 रुपये भी सही से नहीं कमा पा रहा, तो 50,000 क्या दिख रहा है। तो 50,000 हमारा पूरा एवरेज बताता है पर पर्सन कितना कमा रहा है पर कैपिटा इनकम, बट रियल में देखते हैं तो वैसी सिचुएशन है ही नहीं। तो इसलिए ये भी आप लोग का एकदम प्रॉपर इंडिकेटर नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जानने के लिए, डेवलपमेंट जानने के लिए। फोर्थ लिमिटेशन आप देख सकते हो, डिफिकल्टी इन कंपैरिजन। यस, पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर एक्सप्रेस्ड इन द रिस्पेक्टिव करेंसी। हमारे इंडिया के अंदर रुपीज में कैलकुलेट करते हैं, यूएस में जाओगे तो डॉलर में करोगे, आप लोग रशिया उधर जाओगे तो यूरोज में करेंगे, पाउंड्स में करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो उन लोग की करेंसी के हिसाब से करेंगे। तो क्या होगा, सब तरह में कैलकुलेट करने में अपनी अपनी करेंसी का यूज किया जाता है, तो कंपेरिजन करना तो सबसे भारी काम। हम देख ही नहीं सकते हमारा डेवलपमेंट और हम अपने यूएसए के साथ कंपेयर करें तो हमारा देश अच्छा है कि गंदा है, कभी पता नहीं चल पाता, बिकॉज करेंसी सबके अंदर अलग अलग है। तो ये एक लिमिटेशन भी यहाँ पे बोला है। सो यहाँ पे थर्ड लाइन में देख सकते हो, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इम्पोज डिफरेंट कंट्रोल्स ऑन द एक्सचेंज रेट एंड रियल एक्सचेंज रेट कैन नॉट बी नोन एंड कंसिक्वेंटली द रियल कंपेरिजन इज नॉट पॉसिबल। तो यस, हम जैसे देखते हैं कि यूएस डॉलर, आज यूएस डॉलर की प्राइस 75 रुपीज पर डॉलर हो गई है, और यूएसए में जब जाते हैं तो 75 रुपीज इज जस्ट उन लोग के लिए 1 रुपया होता है एक तरह से,
उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो ये इस चीज के कारण क्या हो गया, तो एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट दोनों में बहुत फर्क है, और इस फर्क होने के कारण क्या होता है, कभी भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड द लास्ट लिमिटेशन ऑफ दिस टॉपिक इज दैट डिसेप्टिव इंडिकेटर पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट द एक्चुअल इनकम दैट अ सिटीजन गेट। सही बात है, हमने एवरेज निकाला, एक बंदे का एवरेज आया था 50,000, पर जब रियल में देखे तो क्या बंदा रियल, वो गरीब भी होगा, वो बंदा तो गरीब थोड़ी ना 50,000 कमा रहा है। तो ये डिसेप्टिव इंडिकेटर एकदम फॉल्टी इंडिकेटर है आप लोग का, जिस तरह से नेशनल इनकम फॉल्टी इंडिकेटर है, ये पर कैपिटा इनकम भी आप लोग का फॉल्टी इंडिकेटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग को क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये आप लोग का थर्ड टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन आप लोग से सब्जन से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना भी हमारा स्टडी हो रहा है उन सबको साथ साथ ना पढ़ते रहिए, एंड एंजॉय दिस लॉकडाउन विद दिस स्टडीज। एंड आई एम योगेश डागा, योर टीचर हु इज टीचिंग द लर्निंग विथ अ क्रिएटिविटी। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन थैंक यू ऑल।